सिवान जिले के बसमपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बसमपुर थाना क्षेत्र के मुलनापुर में आज एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जहां मृतका की पहचान मुलनापुर गांव निवासी कृष्णा मातो की 22 वर्षीय पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर विवाहिता के मायके वाले गोपालगंज से सीधे उसके ससुराल पहुँच गए और ससुराल वालों पर अब हत्या का आरोप लगाकर वहाँ जमकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की अब जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महिला की शादी एक वर्ष पूर्व ही मुलनापुर निवासी कृष्णा मातो से हुई थी। वहीं अब मुलनापुर स्थित संरक्षित घटना स्थल पर एफएसएस की टीम भी बसमपुर थाना अध्यक्ष के साथ पहुंची, जहाँ टीम ने बारीकी से जाँच करते हुए घटना स्थल से कई नमूने एकत्रित भी किए। साथ ही थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मायके वालों का कहना है कि ससुराल वाले दहेज को लेकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले के बसमपुर थाना क्षेत्र के मुलनापुर गाँव से आ रही है, जहाँ मुलनापुर गाँव में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थिति में आज मौत हो गई। जहाँ मृतका की पहचान मुलनापुर गाँव निवासी कृष्णा मातो की 22 वर्षीय पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर विवाहिता के मायके वाले गोपालगंज से सीधे उसके ससुराल पहुंच गए और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाकर वहां जमकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और विवाहिता के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार महिला की शादी एक वर्ष पूर्व ही मुलनापुर निवासी कृष्णा मातो से हुई थी। वहीं अब मुलनापुर स्थित संरक्षित घटना स्थल पर एफएसएल की टीम भी बसमपुर थाना अध्यक्ष के साथ पहुँच गई, जहां टीम ने बारीकी से जांच करते हुए घटना स्थल से कई नमूने एकत्रित भी किए। वहीं थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि ससुराल वाले दहेज को लेकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिए हैं।